ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में कहा, पूरा देश भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की लखपति दीदियां भी वर्चुअल रूप से शामिल हुईं। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन में हुए शामिल, पंचायत प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 85,000 करोड़ रूपये से अधिक की 5,900 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और प्रदेश के किसानों को कल धान खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश महिला शक्ति की गरिमा को बढ़ाकर और उनके लिए नए अवसर सृजित करके ही आगे बढ़ सकता है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1,000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश विभिन्न क्षेत्रों में भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में स्वयं सहायता समूहों ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। इस अवसर पर श्री मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल करने वाली लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की लखपति दीदियां भी वर्चुअल रूप से शामिल हुई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह में जिले की लखपति दीदी रूकमणी सोनी, भुवनेश्वरी सारथी, मीना साहू, ममता राठौर, लता पनिका, तुलसा कश्यप, ज्योति पॉल ने लखपति बनने की अपनी कहानी सुनाई। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर श्री पाटिल ने कहा कि सरपंच गांव के विकास की चाबी है। ग्रामीणों ने बड़ी उम्मीद से भरोसा कर गांव के विकास की चाबी सरपंचों को सौंपी है। श्री पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा ध्यान और जोर गांवों के विकास पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण पर जोर दे रही है। कई पंचायतें अपना काम ऑनलाइन कर रही हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को मेरी पंचायत ऐप डाउनलोड कर इसका उपयोग करने को कहा। सम्मेलन को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 15,000 से अधिक हितग्राहियों के खातों में आवास निर्माण के लिए 49,21,00,000 रूपये की राशि अंतरित की। वहीं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत बस्तर और सरगुजा संभाग के अनुसूचित क्षेत्रों की 600 पंचायतों में कंप्यूटर के लिए 3 करोड़ रूपये की राशि जारी की। इसी तरह राज्य की 833 ग्राम पंचायतों में ज्ञानोदय वाचनालय की स्थापना के लिए 25 करोड़ रूपये की राशि का अंतरण किया। में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विशिष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर सम्मानित किया गया। इनमें आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत नागम, स्वस्थ ग्राम पंचायत के लिए सांकरा, बाल हितैषी ग्राम पंचायत के लिए नीलजा, जल की प्रचुरता ग्राम पंचायत के लिए बाघ नदी, स्वच्छ और हरित ग्राम पंचायत के लिए जोंकबाला, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा ग्राम पंचायत के लिए अजवाल, सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत के लिए पिकरीपारा, सुशासन ग्राम पंचायत के लिए खटगवा कला और महिला हितैषी ग्राम पंचायत के लिए ग्राम पंचायत कुथरेल को सम्मानित किया गया। वहीं माओवाद प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए नियत निलानार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना को साकार करने के लिए सुकमा जिला के कोंटा जनपद पंचायत के तहत ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। इनमें ग्राम पंचायत बगड़ेगुड़ा, दुलेड़, इल्मागुड़ा, चिमलीपेटा, पोटकपल्ली और ग्राम पंचायत सिलगेर के सरपंचों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 85,000 करोड़ रूपये से अधिक की 5,900 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री रायपुर रेलमंडल के दुर्ग कोचिंग डिपो पीट लाइन का अपग्रेडेशन, रायपुर दुर्ग भिलाई मेमू कारशेड का विस्तार, दल्ली राजहरा भानुप्रतापपुर भाटापारा बिल्हा रेलवे स्टेशनों पर वोकल फॉर लोकल दृष्टि
दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ओएसओपी योजना का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल होंगे। श्री मोदी देश में 50 प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र का लोकार्पण भी करेंगे। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जांजगीर नैला, पेंड्रा रोड, नागभीड़ और नैनपुर केन्द्र भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रेल कोच रेस्टोरेंट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत 50 स्टॉलों का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही बिलासपुर में इलेक्ट्रिक लोकोशेड का लोकार्पण भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। समाचार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन पहले सुनिए ये संदेश। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जिस चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने आज शाम नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। CAA नियमों के तहत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे जाएंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं, वहां से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे। इन 6 समुदायों में हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। प्रदेश के किसानों को कल 12 मार्च को धान खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज झारखंड दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल का दिन किसानों के लिए ऐतिहासिक रहेगा। 24,72,000 किसानों को धान के अंतर की राशि दी जाएगी। उनके खातों में लगभग 13,000 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले बस्तर संभाग के 43 भाजपा नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनमें पार्षद से लेकर जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सदस्यों को Y+, Y और X श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों से माओवादी भाजपा नेताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव के पहले माओवादियों ने कुछ भाजपा नेताओं की हत्या कर दी थी। उन्हीं घटनाओं के मद्देनजर आगामी लोकसभा चुनाव के पहले बस्तर क्षेत्र के नेताओं ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा के संबंध में पत्र लिखा था। भाजपा नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद सभी नेताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इनमें सुकमा जिले के 6, बीजापुर के 10, दंतेवाड़ा के 17, बस्तर के 4, कोंडागांव और नारायणपुर के 1-1 और कांकेर जिले के 4 भाजपा नेता शामिल हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी रायपुर में रोजगार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता धरनास्थल बूढ़ापारा से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले, लेकिन उन्हें सप्रे स्कूल के पास ही रोक दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बेमेतरा जिले की जनपद पंचायत बेरला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। 25 सदस्यों वाली इस जनपद पंचायत में 20 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में और 4 ने विपक्ष में मतदान किया। 1 मत अवैध घोषित किया गया। इस तरह कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष हीरा वर्मा और उपाध्यक्ष नवाज मुंशी खान को पद से हटना पड़ा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 55वां स्थापना दिवस कल 12 मार्च को मनाया जाएगा। दुर्ग जिले के उतई में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय होंगे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से नवा रायपुर में शुरू हो गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति विभाग के सचिव अनबलगन पी ने किया। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में सरकारी कामकाज की आवश्यकता पर जोर दिया। आज के प्रशिक्षण में संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और विधि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज श्री राम लला दर्शन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में 850 यात्रियों का विशेष जत्था रवाना हुआ। इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उद्योग मंत्री लखनलाल दिवांगन उपस्थित थे। बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र के पाता कुटरू इलाके में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। इस ग्रामीण का माओवादियों ने बीते 8 मार्च को अपहरण कर लिया था। युवक का शव बीती रात सड़क से बरामद किया गया।
और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य सरकार ने गृह विभाग के 91 अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से संबद्ध किया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आदेश जारी कर दिया है। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से रायगढ़ जिले में स्थित कोयलंगा डायवर्जन सुधार कार्य का वर्चुअल भूमि पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में कहा, पूरा देश भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की लखपति दीदियां भी वर्चुअल रूप से शामिल हुई। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल आज रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत सम्मेलन में हुए शामिल, पंचायत प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 85,000 करोड़ रूपये से अधिक की 5,900 से अधिक रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और प्रदेश के किसानों को कल धान खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।